डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरा देती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के आगे ही नजर आती है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। छोटी सी उम्र में लोग बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। 10 साल का लक्ष्य भी बहुत से लोग एक साल में हासिल कर लेते हैं और एक साल की पढ़ाई को लोग 3 महीने में ही कम्प्लीट कर लेते हैं। 1 महीने में ही बहुत कुछ कर जाते हैं कई लोग। ऐसे ही कई एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है खिलेंद्र नाम के इस स्टूडेंट का। खिलेंद्र 12वीं क्लास में था। खिलेंद्र के घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी, बहुत पहले से थी। तो उसने ठान लिया था कि मैं मात्र 3 महीने में ही अपना सारा सिलेबस खत्म करूंगा ताकि मैं अपने माता पिता की हेल्प कर सकूं, मैं भी घर के खर्चों के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। उसके सर पे पढ़ाई और कमाई दोनों का भूत सवार था। लेकिन एक समय में एक ही काम किया जा सकता है। अगर पैसे कमाने पर ध्यान देता तो पढ़ाई में अच्छा नहीं रहता, और पढ़ाई पर ध्यान देता तो पैसा नहीं कमा पाता। उसने अपने पढ़ाई के लिए मात्र 3 महीने का टारगेट सेट किया और अपनी पढ़ाई के लिए ऐसे रूल्स नियम बनाए कि मात्र 3 महीने में ही सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया। 12th में उसके 90% से भी ज्यादा मार्क्स आए, और साथ ही उसने कुछ पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई के लिए खुद के खर्चे भी निकाले। खिलेंद्र ने किन रूल्स को फॉलो किया और लक्ष्य को हासिल किया, ये जानने से पहले आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सही मायने में पढ़ाई हर एक स्टूडेंट मात्र 3 महीने ही कर पाता है और बाकी के 9 महीने यूं ही निकल जाते हैं। छुट्टियों में स्कूल कॉलेज के फंक्शन, त्योहारों और बाकी के आपके अपने डेली के खुद के पर्सनल काम भी होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम पास भी हो जाता है। आपके 9 महीने यूं ही गुजर जाते हैं एक साल में से। आप खुद अपने पढ़ाई के समय को काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पिछले साल भी पढ़ाई मात्र कुछ महीने ही किया, बाकी समय में तो आपका टाइम पास में ही निकल गया। खिलेंद्र ये बात समझ गया था और इसलिए उसने मात्र 3 महीने का टारगेट बनाया। वो जानता था इसके लिए उसे मात्र 3 महीने ही चाहिए। अगर आप भी खिलेंद्र की तरह ही 90% से ज्यादा मार्क्स लाने की ख्वाहिश रखते हैं तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके इरादों को अपना पक्का जरूर कर लीजिए। पहला नियम, मुश्किल लगता है लोगों को कम समय में ज्यादा मेहनत करना और बड़ा लक्ष्य हासिल करना, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं घबराते हैं वे लोग जिन्हें मालूम होता है कि मेहनत कैसे और कब करना है। खिलेंद्र ने सबसे पहला काम यही किया कि उसे पूर्ण विश्वास करना है कि एक साल का लक्ष्य 3 महीने में ही कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि विश्वास में मेहनत से भी ज्यादा शक्ति होती है। विश्वास की ताकत से मरते हुए को भी बचाया जा सकता है। विश्वास की ताकत से अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। विश्वास की ताकत से हर काम में सफलता हासिल किया जा सकता है। इसलिए खिलेंद्र ने खुद को दृढ़ता से विश्वास दिलाया कि ये हो सकता है, मैं एक साल की पढ़ाई को 3 महीने में ही कम्प्लीट कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर खिलेंद्र को विश्वास नहीं होता ना कि ऐसा हो सकता है तो वो कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। 3 महीने में तो क्या, 5 महीने में भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाता। इसलिए सभी स्टूडेंट को दृढ़ता से खुद पर विश्वास करना होगा कि कम समय में भी बहुत अच्छी तैयारी किया जा सकता है। दूसरा नियम, खिलेंद्र ने अपने पास्ट के लाइफ को ध्यान पूर्वक समझा और उसने पाया कि उसके लक्ष्य को हासिल करने में कई गैर जरूरी यादें, गैर जरूरी काम, यूजलेस थिंकिंग बाधा बन रही है। उसने अपने दिमाग में एक बात बिठा लिया कि 3 महीने मैं किसी की अगर मदद ना भी करूं ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 महीने में बाकी गैर जरूरी चीजों को भूल जाऊं, गैर जरूरी काम करना छोड़ दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 महीने में लोगों से दूरी बना लूं तो भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बिना जिंदगी लोगों की पहले भी चल रही थी और आगे भी चलती ही रहेगी। वैसे भी मेरे घर में पैसों की दिक्कत है तो कोई भी फ्री में मुझे पैसे तो नहीं देंगे, फ्री में मेरा कोई खर्च तो उठाएगा नहीं, कोई मेरी जिंदगी का ठेका तो नहीं लेगा। इसलिए बाकी सब कुछ भूलकर मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दूंगा। जब पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा तो फिर मैं पैसे कमाने पर ध्यान दूंगा, मैं पैसे कमा सकता हूँ। बस उसने अपने दिमाग को दृढ़ रखा, 3 महीने के लिए खुद से चैलेंज किया कि वो सारा ध्यान, ऊर्जा, ताकत, समय सिर्फ पढ़ाई में लगाएगा, बाकी सब कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही होगा। खिलेंद्र का कहना था, दुनिया के तानों से नाराज मत होना, अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी इमरजेंसी नहीं होता था तब तक खिलेंद्र कहीं पर भी नहीं जाता था, न ही कुछ काम करता था। खिलेंद्र के जुनून को देखकर घर वाले भी फुल सपोर्ट करते थे, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते थे। जब आप साबित कर देते हैं ना कि आप सफलता के लिए जी जान लगा देंगे तो आपको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि बाहर वाले और ऊपर वाले भी हमेशा आगे होते हैं।
ये पॉइंट सभी स्टूडेंट के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होगा, लेकिन याद रखना क्या खाक मजा है किसी लक्ष्य को पाने में जिसके लिए त्याग समर्पण कुर्बानी और जुनून न हो जीवन में। तीसरा नियम, किसी कामयाब व्यक्ति ने कहा है, जो व्यक्ति अपने भविष्य के लिए अपने आज को नहीं झोंक सकता उसका भविष्य हमेशा अंधकार में रहेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि खिलेंद्र या कोई भी टॉपर स्टूडेंट 24 घंटे या फिर 15 घंटे सिर्फ पढ़ता ही रहता है। सही मायने में कामयाबी तब मिलती है जब आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट हथियार को तेज और धारदार बनाते हैं। एक लक्ष्य बनाना तो फिर भी आसान है, एक हफ्ते तक मेहनत करना तो फिर भी आसान है, लेकिन 3 महीने तक सिर्फ एक ही लक्ष्य पर फोकस करना, उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना बहुत मुश्किल टास्क है। यहीं पे अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन खिलेंद्र जैसे दृढ़ संकल्प करने वाले स्टूडेंट इसे भी कर जाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट फाइनल एग्जाम के टाइम टेबल आने तक कोर्स पूरा करते हैं, लेकिन जो 3 महीने में कोर्स पूरा कर लेते हैं वो साल भर में 3-4 बार रिवीजन करके तैयारी स्ट्रांग भी बना लेते हैं। खिलेंद्र हर दिन अपने मन और दिमाग को तेज करने के लिए 2 काम करता था, पहला दिमाग की एक्सरसाइज मेडिटेशन योगा और दूसरा मोटिवेशनल किताबें पढ़ना। तीसरा जरूरी काम, 3 महीने तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इससे मन और ज्यादा मजबूत होते चला गया, उसका ध्यान भटकना पूरी तरह से बंद हो गया। खिलेंद्र ने इन 3 महीनों में कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा, बल्कि वह सुबह उठकर सबसे पहले 10 मिनट बुक पढ़ता था जिसमें रियल लाइफ स्टोरी और रियल लाइफ मोटिवेशन मिलता था। खिलेंद्र को पता था कि मोबाइल खोलूंगा सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए, लेकिन ध्यान भटक जाएगा और कई वीडियो देखकर समय बर्बाद हो जाएगा। दिन के बीच में मोटिवेशन के लिए वो कुछ बुक भी पढ़ता था और सुबह शाम मेडिटेशन करता था। चौथा नियम, जब जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य मिल जाता है तो उसके सामने बाकी सभी एक्सक्यूजेस बहाने कारण प्रॉब्लम फीके पड़ने लगते हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटी से ऊपर उठ जाते हैं, लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक ही लक्ष्य होता है कि अपने टारगेट को अचीव करना है, हर हाल में करना है, फर्क नहीं पड़ता है कि घर के हालात कैसे हैं, बस कर जाने का, कुछ बड़ा कर जाने का जुनून सवार होता है। बिना किसी बड़े उद्देश्य के कुछ भी काम करने वाले लंबे समय तक उस काम को नहीं कर पाते। खिलेंद्र का उद्देश्य था कि उसे सिर्फ पासिंग मार्क्स ही नहीं लाने हैं, उसे 100 मार्क्स को टच करना है। 3 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें उसने पढ़ाई न की हो, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिसमें अपना लक्ष्य ही वो भूल गया हो। अगर आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी याद होगी तो कलाम साहब भी पढ़ाई के साथ साथ घर वालों की मदद के लिए पेपर बेचते थे और कुछ कुछ मजदूरी भी किया करते थे। जीवन में एक बड़ा उद्देश्य का होना जरूरी है। कहा जाता है कि जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वह मुर्दों के समान है। छोटी सोच और पैरों की मोच इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। बड़ा टारगेट बनाओगे तो अपने टारगेट का 80% भी हासिल कर लोगे तो बुराई नहीं है दोस्तों, क्योंकि 90% लोग तो बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। पांचवा नियम, खिलेंद्र हर दिन सभी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़ता था। हर दिन सभी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। 2 घंटे टाइम अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो मिनिमम 1 घंटा भी अगर टाइम देना चाहते हो तो टाइम दे सकते हो। अगर डेली सिर्फ 1 घंटा टाइम दोगे 6 सब्जेक्ट के लिए तो आपकी पढ़ाई के लिए कोर्स कंप्लीट करने के लिए 6 घंटे भी काफी होंगे। नींद आलस्य बहाने बनाना, काम को टालना किसी भी सफल इंसान के डिक्शनरी में नहीं होता। सफल इंसान एक समय में केवल एक ही काम करता है और अपने वादे को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। आज आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 1-2 घंटे देना बड़ा मुश्किल काम लग रहा होगा, लेकिन एक बार सोचो, भविष्य में अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो 12 घंटे प्राइवेट जॉब में जबरदस्ती मेहनत करना पड़ेगा ना। मजबूरी में किया गया काम तकलीफ देती है, मजबूती और खुशी से किया गया काम सफलता देती है। 3 महीने सब कुछ भुलाकर मेहनत करोगे तो जल्दी कामयाबी मिलेगी। सबसे आगे निकलकर पहले कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। लोग सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे और तुम सबसे आगे निकल चुके होगे। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जिस तरह दूसरों को गाड़ी चलाते देखकर हम खुद गाड़ी चलाना कभी नहीं सीख सकते, इसी तरह बताई गई बातों को प्रैक्टिकल किए बगैर 1 साल का लक्ष्य 3 महीने में कभी हासिल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक देखने वालों को दिल से धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप 3 महीने तक इन नियमों का पालन जरूर करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। नीचे एक कमेंट लिखकर इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना और 3 महीने बाद वापस से आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताना कि आपको कितना फायदा हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवन अंसा हूँ, आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।